नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्मी वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की 10 ऐसी फिल्मों के बारे में जिसे यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखा गया है। तो बने रहे वीडियो के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इस लिस्ट में नंबर 10 पर जो फिल्म है, उस फिल्म का नाम है घूंघट में घोटाला। भूतनी बबलू बाबू के चाची काहे कहे के कहलस। भूतनी बबलू बाबू की चाची कहे काहे कहलस, हमरा का पता बा। घूंघट में घोटाला इस फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे परवेश लाल यादव, ऋचा दीक्षित और मणि भट्टाचार्य। फिल्म को मंजूल ठाकुर ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म को यूट्यूब पर 11 दिसंबर 2018 को निरहुआ म्यूजिक वर्ल्ड पर अपलोड किया गया था, जिसे अब तक 4.8 लाख लाइक मिले हैं, वहीं 125 मिलियन व्यूज मिले हैं। इस लिस्ट में नंबर 9 पर जो फिल्म है, उस फिल्म का नाम है राम लखन। भैया त राम के जैसे देवले दुलार हो। राम लखन इस फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आएंगे जुबली स्टार निरहुआ, परवेश लाल यादव, आम्रपाली दुबे और सुभी शर्मा। फिल्म को डायरेक्ट किया था सतीश जैन ने और इस फिल्म को यूट्यूब पर 13 अक्टूबर 2016 को अपलोड किया गया था, जिसे अब तक 132 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया है। वहीं इस फिल्म को 4 लाख लाइक मिले हैं। इस लिस्ट में नंबर 8 पर जो फिल्म है, उस फिल्म का नाम है दुल्हिन वही जो पिया मन भाए। अगर राजा हमारा न भइले तो हम अपन जान दे दे। इस फिल्म के स्टार कास्ट में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी और मधु शर्मा नजर आई थी। फिल्म की स्टोरी को लिखा था, फिल्म में म्यूजिक दिया था और फिल्म को डायरेक्ट किया था रजनीश मिश्रा ने। उस फिल्म को यूट्यूब पर 14 नवंबर 2021 को फिल्मची चैनल पर अपलोड किया गया था, जिसे अब तक 10 लाख लाइक और 134 मिलियन व्यूज मिले हैं। अगर के अपना बाप के असली औलाद है ना, काजल के छू के दिखा दे। इस लिस्ट में नंबर 7 पर जो फिल्म है, उस फिल्म का नाम है मेहंदी लाके रखना और इस फिल्म के स्टार कास्ट में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी और अवधेश मिश्रा नजर आए थे। फिल्म को रजनीश मिश्रा ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म को यूट्यूब पर 29 जुलाई 2017 को वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी चैनल पर अपलोड किया गया था, जिसे अब तक 4.8 लाख लाइक मिले हैं, वहीं 144 मिलियन व्यूज मिले हैं। इस लिस्ट में नंबर 6 पर जो फिल्म है, उस फिल्म का नाम है निरहुआ हिंदुस्तानी पार्ट 3। निरहुआ हिंदुस्तानी 3 और इस फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे भोजपुरी के जुबली स्टार निरहुआ, सुभी शर्मा और आम्रपाली दुबे। फिल्म को मंजूल ठाकुर ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म को यूट्यूब पर 27 मार्च 2019 को अपलोड किया गया था, जिसे अब तक 5.2 लाख लाइक मिले हैं, वहीं 148 मिलियन व्यूज मिले हैं। हम माना तरीके अपना इलाका के शेर, लेकिन हम शेर के भी कुत्ता बना के मारेंगे। इस लिस्ट में नंबर 5 पर जो फिल्म है, उस फिल्म का नाम है संघर्ष और संघर्ष इस फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी और अवधेश मिश्रा, साथ ही साथ रितु सिंह। फिल्म को पराग पाटिल ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम पर आधारित थी, जिसे यूट्यूब पर 3 नवंबर 2019 को अपलोड किया गया था, जिसे अब तक 8.6 लाख लाइक मिले हैं, वहीं 154 मिलियन व्यूज मिले हैं। जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़। इस लिस्ट में नंबर 4 पर जो फिल्म है, उस फिल्म का नाम है नागिन और नागिन इस फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और रानी चटर्जी। फिल्म को राजकुमार आर पांडे ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म 14 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई थी यूट्यूब पर और इसे अब तक 4.6 लाख लाइक मिले हैं, वहीं 163 मिलियन व्यूज मिले हैं। इस लिस्ट में नंबर 3 पर जो फिल्म है, उस फिल्म का नाम है निरहुआ हिंदुस्तानी। लवा में घर तू बनाई के उड़ जाए
फिल्म के स्टार कास्ट में जुबली स्टार निरहुआ आम्रपाली दुबे नजर आई थी। फिल्म को सतीश जैन ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म को यूट्यूब पर 11 मार्च 2015 को अपलोड किया गया था, जिसे यूट्यूब पर अब तक 199 मिलियन व्यूज मिले हैं। वहीं इस फिल्म को 6.1 लाख लाइक भी मिले हैं। इस लिस्ट में नंबर 2 पर जो फिल्म है उस फिल्म का नाम है निरहुआ रिक्शा वाला पार्ट 2। इस फिल्म के स्टार कास्ट में जुबली स्टार निरहुआ और आम्रपाली दुबे नजर आई थी। इस फिल्म को यूट्यूब पर 5 अप्रैल 2016 को अपलोड किया गया था, जिसे अब तक 4.6 लाख लाइक मिले हैं। वहीं 299 मिलियन व्यूज मिले हैं। बहुत जल्द ये फिल्म 300 मिलियन व्यूज के आंकड़े को भी पार करने वाली है। इस लिस्ट में नंबर 1 पर जो फिल्म है उस फिल्म का नाम है निरहुआ हिंदुस्तानी पार्ट 2। इस फिल्म के स्टार कास्ट में जुबली स्टार निरहुआ सचिता बनर्जी और आम्रपाली दुबे नजर आई थी। इस फिल्म को मंजूल ठाकुर ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म को यूट्यूब पर 26 नवंबर 2017 को अपलोड किया गया था, जिसे अब तक 10 लाख लाइक मिले हैं। वहीं 336 मिलियन व्यूज मिले हैं और ये अब तक के यूट्यूब की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म है। तो दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी रेगुलर पाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।